हमारे पास 2 लाख की गैस नहीं है, इसलिए तहसीलदार जी महोदय को हम हमारे पूंजी में बच्चे हैं। मेरी जमीन 568/1 थी, उसके अंदर कल कुर्क सुधा भूमि की पीडी जारी की तहसीलदार जी ने। पीडी के मौके पर हमें नोटिस शामिल किया गया, तो हम पूरे खातेदार संयुक्त उस मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँचने के बाद में भी तहसीलदार जी ने हमारे 14 खातेदार हैं, जिसमें से 13 खातेदार को बिल्कुल ही हमारी अनसुनी कर दी, जबकि एक खातेदार है जो तहसीलदार जी का चेता है और उससे भारी भरकम रुपये लिए हैं और हमसे 2 लाख रुपये की डिमांड की थी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने तहसीलदार जी से हाथ जोड़े कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, आप सत्य जो मौके पे रिपोर्ट है वो सत्य लिखें। लेकिन मेरी बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के बाद में भी तहसीलदार जी ने मेरे को अनसुना किया, और अनसुना जब हुआ तो हमने उस मौके पर भी तहसीलदार जी की पीढ़ी का बहिष्कार करके हम सभी खातेदार हमारे घर चले गए। और तहसीलदार जी को आज सुबह भी हमने कहा कि सर हम मौके पे आपने हमारे साथ अन्याय किया है और हम आपकी पीढ़ी के खिलाफ हैं, और यदि आपने हमारी मांग नहीं मानी, आपको पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी पैसे की पूंजी सिर्फ मेरे बच्चे हैं, उस बच्चों को मैं आपके बेच कर गए और यहाँ बेचने आया हूँ, आप इनको खरीद के अपनी भूख मिटाएं, अपनी भरपाई करें, लेकिन मुझे इस चेयर पर बैठकर सच्ची न्याय दें, यही मैं कहने के लिए आया हूँ। और इन बच्चों को यही छोड़ के तहसीलदार जी के यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने फ़ोन के माध्यम से बता दिया, और पुलिस कंट्रोल रूम में भी मैं अभी फ़ोन करके बताऊँगा कि आप इन बच्चों की देखभाल करें और आप इनकी भरपाई करें। जिस दिन मेरे पास पैसे हो जाएंगे, उस दिन तहसीलदार जी को मैं पैसे देके और मेरे बच्चों को वापस ले जाऊंगा। जब तक मेरे बच्चे यहीं रहेंगे और इन तहसीलदार जी के देखभाल में रहेंगे, किसी प्रकार की बच्चे के साथ जनहानि होती है तो उनकी तहसीलदार ही जवाबदारी होंगे। और मैं 8 तारीख तक इन तहसीलदार जी का हम सभी खातेदार इंतजार करेंगे। यह तो हमारी जो पीडी जारी की है उसको निरस्त करें, अन्यथा निरस्त नहीं की गई तो हम पूरे खातेदार इस तहसीलदार और एसडीएम के कमरे लानसन पे बैठेंगे।